मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जहां पंचायत सचिव की मनमानी को देखते हुए अब ग्राम पंचायत सरपंच और सभी गणपंच अनशन पर बैठने को मजबूर। शहडोल जिले के विकास खंड बुढ़ार के ग्राम पंचायत केसवाही में सचिव रमेश पटेल के द्वारा मनमाने तरीके से कई लाख रुपए के घोटाले सामने आए हैं। इसकी जानकारी देते हुए संतोष गुप्ता जी वार्ड क्रमांक 5 का पंच, उनसे पूछा गया कि अनशन किस कारण से चल रहा है, तो संतोष गुप्ता जी के द्वारा बताया गया कि पंचायत सचिव रमेश पटेल के द्वारा आचार संहिता 11,50,000 का हरण कर लिया गया है। अभी तक नेह तक नहीं खोदी गई है। न्यू बस स्टैंड केसवाही में 4 लाख रूम में 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया, उसका अभी तक गड्ढा नहीं हुआ। ग्राम पंचायत का पुताई 1 लाख निकाल लिया गया है। स्वच्छता परिसर का 1 लाख निकाल लिया गया। इस तरह से करीब 5 लाख रमेश पटेल के द्वारा गमन किया गया। हम लोगों द्वारा शिकायत जनपद CEO कलेक्ट्रेट महोदय, कमिश्नर महोदय, SDM महोदय, यहाँ तक की मंत्री राम खेलावन पटेल जी को भी शिकायत किया गया। उसके बाद भी कोई कार्यवाही सचिव के ऊपर नहीं किया गया। शासन प्रशासन से यही मांग किया जाता है कि सचिव पर सख्त कार्यवाही की जाए, अन्यथा आज की तारीख 28/12/22 से 4/1/2023 तक क्रमिक अनशन चलेगा। इसके बाद 5/1/2023 से अमरण अनशन चालू होगा। नाम विकास कुमार चौधरी, वार्ड क्रमांक 17 से पंच हूँ। अच्छा, ये अनशन करने का क्या उद्देश्य है? अनशन करने का उद्देश्य है रमेश पटेल द्वारा 11.5 लाख रुपए आहरण कर लिया। रमेश पटेल है कौन? सेक्रेटरी सचिव है। अच्छा, ग्राम पंचायत के सिवाही से जी बताएं। फिर 10 लाख अलग ले लिया है रूम का। अच्छा, तो आप इस चीज की शिकायत आपने अपने CEO साहब को दिए हैं, जिला पंचायत CEO दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्टर को भी दिए हैं। तो इसमें कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही आपको? तो ये बच्चे बताएं, अनशन कब तक चलेगा आपका? अनशन चलेगा जब तक कार्यवाही नहीं होगी, तब तक हम लोग बैठेंगे अनशन। चलिए नाम क्या आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता, वार्ड क्रमांक 5 का पंच हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताएं, ये आज अनशन आज से शुरू हुआ है आप लोगों का? हाँ। तो किस कारण से अनशन चल रहा है आप लोगों का बताएं? अनशन सचिव है किसबाही में रमेश पटेल, उनके द्वारा 11.5 लाख रुपये आहरण कर लिए गए आचार संहिता में। अभी नींव तक नहीं खनी गई। अच्छा। 4 रूम 2.5-2.5 लाख रुपये में मनचाहे लोगों को बेच दिया, उसकी भी नींव नहीं खनी गई। अच्छा। ग्राम पंचायत पोताई के नाम में 1 लाख रुपये निकाल लिया, स्वच्छता परिसर का 1 लाख निकाल लिया। अच्छा। मनमाने और नल जल से 4,67,000 रुपये निकाल लिया। इस तरह करीब 50 लाख रुपये रमेश पटेल द्वारा गमन किया गया। हम लोगों द्वारा शिकायत जनपद CEO, जिला CEO, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, SDM महोदय, यहाँ तक कि मंत्री महोदय तक भी हम सूचना दिए राम खिलावन पटेल जी को, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी, चलिए ठीक है। तो और आगे शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? शासन उसके ऊपर, शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो हमारा अनशन चलता रहेगा। अभी 28 से 4 तक क्रमिक अनशन चलेगा, इसके बाद 5 से अमरण अनशन शुरू होगा। चलिए ठीक है।